विकास चीन अभी भी अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। भारत को ध्वंस दिखाने के लिए अब चीन ने LAC पर अपने टैंक्स की तैनाती करनी शुरू कर दी है। पूरा मामला जानने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। चीन ने LAC पर पूर्वी लद्दाख में भारतीय चौकियों के सामने अपने टैंक तैनात कर दिए हैं। LAC पर भारतीय T-90 और चीनी T-15 टैंक 200 मीटर की दूरी पर आमने सामने हैं। ड्रैगन ने LAC के रेजांगला, रेचिनला और मुखोसरी पर T-15 टैंक तैनात किए हैं। हालांकि भारतीय सेना सीमा पर पूरी तरह चौकस है और किसी भी हरकत का माकूल जवाब देने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि चीन ने पूर्वी लद्दाख में सीमा टकराव के मद्देनजर रेडार, सतह से हवा में और सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें और अन्य हथियार भारी संख्या में बीते दिसंबर में ही तैनात कर दिए थे। इधर भारतीय सेना भी पूरी तरह से तैयार है। सेना ने बड़ी संख्या में T-90 और T-72 टैंक, तोपों, अन्य सैन्य वाहनों को अलग अलग संवेदनशील इलाकों में पहुँचा दिया है। गौरतलब है कि दोनों देशों की सेनाओं के बीच पूर्वी लद्दाख में LAC पर पिछले 9 महीने से गतिरोध बना हुआ है। दोनों देशों के बीच सीमा विवाद हल करने के लिए सैन्य और राजनयिक वार्ता भी चल रही है। इसी कड़ी में अब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सेना को किसी भी क्षण युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने सशस्त्र बलों को वास्तविक जंगी परिस्थितियों में अभ्यास करने का आदेश दिया है। बता दें कि पिछले साल जून में गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच खूनी झड़प हो गई थी। इस दौरान जहां 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे, वहीं 40 से ज्यादा चीनी सैनिक मारे गए थे। साल 2021 में केंद्रीय सैन्य आयोग के चेयरमैन के तौर पर दिए गए अपने पहले आदेश में शी जिनपिंग ने कहा कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी को किसी भी समय युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए, साथ ही वास्तविक लड़ाई की परिस्थितियों में प्रशिक्षण लेकर अपनी स्थिति मजबूत करे ताकि किसी भी दशा में युद्ध जीता जा सके। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक शी जिनपिंग ने कहा है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना CPC की सैन्य इकाई PLA को 1 जुलाई तक इस संबंध में उत्कृष्टता हासिल करनी है। बता दें कि 1 जुलाई को CPC की 100वीं वर्षगांठ है। शी जिनपिंग ने अभ्यास के दौरान प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने की भी सिफारिश की है। इसमें कंप्यूटर सिमुलेशन और ड्रिल में ऑनलाइन मुकाबला शामिल है। साल 2012 के अंत में CMC के चेयरमैन और प्रमुख का कार्यभार संभालने के बाद से शी जिनपिंग PLA को हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहने का संदेश देते रहे हैं। उन्होंने साल 2015 में चीनी सेना को आधुनिक बनाने की शुरुआत की थी। लद्दाख के विषय में भारत और चीन के बीच हुई टकराव के वक्त ही भारतीय सेना ने चीनी सेना को बता दिया था कि भारत पीछे हटने वाला नहीं है और अब चीन की गीदड़ भभकी से भी भारत नहीं डरने वाला है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए Capital TV। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।